नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 250 जी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन गॉल्थेरिया के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको निरंतर रूप से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन गॉल्थेरिया के सिम्टम। गॉल्थेरिया औषधि को पीठ में दर्द, गठिया रोग में जलन, ग्रीदसी यानी साइटिका पेन तथा कई प्रकार के स्नायु के दर्द को दूर करने में उपयोगी माना जाता है। गॉल्थेरिया औषधि को पीठ में दर्द, गठिया रोग में जलन, ग्रीदसी, साइटिका पेन तथा कई तरह के स्नायु के दर्द को दूर करने में काफ़ी उपयोगी माना गया है। इसके अलावा गुर्दों में जलन, यौन उत्तेजना का तेज होना, पेशाब की नाड़ी तथा पुरस्थ ग्रंथि में सूजन आना जैसे रोगों में भी ये औषधि काफ़ी लाभकारी मानी गई है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर गॉल्थेरिया औषधि का उपयोग, जैसे आमाशय से संबंधित लक्षण, पाचन संस्थान में सूजन के साथ बहुत तेज दर्द होना, लंबे समय से चलने वाला उल्टी का रोग, बार बार भोजन करने के बाद भी आमाशय का खाली रहना आदि आमाशय के रोगों के लक्षणों में रोगी को गॉल्थेरिया औषधि का सेवन कराने से लाभ होता है। सिर से संबंधित लक्षण, किसी व्यक्ति में सिर और चेहरे में स्नायु के दर्द के लक्षण नजर आने पर गॉल्थेरिया औषधि का उपयोग कराने से आराम मिलता है। चर्म रोग, त्वचा से संबंधित लक्षण, त्वचा पर बहुत तेज जलन होना, त्वचा का काला पड़ना तथा ठंडे पानी से नहाने पर त्वचा रोग का बढ़ जाना आदि लक्षणों के आधार पर गॉल्थेरिया औषधि का सेवन लाभकारी रहता है। तुलना, गॉल्थेरिया औषधि की तुलना एस्पायरिया सैलिसिलिक एसिड से की जा सकती है। मात्रा, डोजेज, रोगी को रोगों के लक्षण के अनुसार गॉल्थेरिया औषधि का मूलार्थ या कम शक्ति तक देने से लाभ होता है। हम अपने अगले वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।